दोस्तों हमारा ये चौथा चार ब्लॉक बन गए हैं। हम 16311 बीकानेर से कुचुवली एक्सप्रेस से यात्रा करें और पांचवा ब्लॉक हमारा है वसई रोड से कोंकण रेलवे की यात्रा का, और कोंकण रेलवे की एक छोटी सी शॉर्ट जर्नी और एक छोटा सा सिंह अवलोकन कैसे कोंकण बनी थी, और इससे अब तो हम मडगांव तक यात्रा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और इस प्रकार से हमारी गाड़ी 16311 वसई रोड की ओर आ रही है। वसई रोड स्थानीय रेलवे स्टेशन है मुंबई का, और ये एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो मुंबई को बाईपास करता है और बड़ौदा से आने वाली ट्रेनों को कोंकण रेलवे और पुणे जंक्शन की रेलवे की तरफ मोड़ देता है, और आगे यहाँ से इसको बेंगलोर और हैदराबाद शहर की कनेक्टिविटी वसई रोड से मिलती है। वसई रोड का स्टेशन कोड है BSR। ये मुंबई का उपनगरीय रेलवे स्टेशन है। वसई एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो मुंबई को बाईपास करता है। मुंबई में पश्चिम और मध्य रेलवे के बीच वसई रोड एक महत्वपूर्ण क्रॉस ओवर पॉइंट है, क्योंकि कोंकण रेलवे और कोंकण क्षेत्र और पुणे की ट्रेनें, हैदराबाद की ट्रेनें, बंगलोर की ट्रेनें पश्चिम लाइन को पार करती हैं। प्लेटफॉर्म 2 से 5 की दिशाओं में लोकल ट्रेनों को ये सारे हैंडल करते हैं। प्लेटफॉर्म 6 और 7 बाहरी ट्रेनों को, जो आउटसाइड ट्रेनें जैसे हैदराबाद, कोंकण, गोवा या अन्य या पुणे, ये 6 और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही सारी ट्रेनें आती हैं जो वसई रूट पर आके उठती हैं। वसई रूट पर 2 राजधानी एक्सप्रेस भी आती हैं, 12431, 12432। तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस भी यहाँ पे आती है, और दूसरी 12413, 22414 मडगांव राजधानी एक्सप्रेस। इसके अलावा हमसफर एक्सप्रेस, दुरंतर एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और केरल की ओर से दिल्ली की ओर जाने वाली सभी गाड़ियाँ यहाँ से आती है। प्लेटफॉर्म 1 पर लोकल ट्रेन आती है सारी, और ये पूरी तरह लोकल ट्रेन को डेडिकेटेड है, समर्पित है। वसई में बृजेश्वरी मंदिर, सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च और गिरिज और डोंगरी के दत्ता मंदिर सहित 3 धार्मिक प्रसिद्ध स्थल भी हैं, और त्यौहार व पर्यटक यहाँ के स्थल के रूप में भी माना जाता है। यहाँ पर सुरुचि बीच, बेना बीच, रंगगांव बीच और भुई गांव बीच इत्यादि, कलाओ बीच, राजौड़ी बीच, नवापुर आदि प्रसिद्ध और शांतिपूर्ण समुद्र तट भी, सी बीचेज भी हैं। बस एक कुछ शूटिंग स्थल के रूप में भी मान्यता मिली हुई है। यहाँ पे बॉलीवुड की और हॉलीवुड की कुछ फिल्में भी शूट की गई हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारी गाड़ी आ गई है। तो हम 16311 बीकानेर से कुचुवली वाली ट्रेन में मडगांव तक की ट्रेवल ब्लॉग बना रहे हैं। हम अभी वसई रोड में हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये है बीकानेर से चलकर यशवंतपुर गाड़ी 16588। ये गाड़ी हमारे 16311 गाड़ी के चलने के आधे घंटे बाद बीकानेर से चली थी, और पैरेलली पीछे पीछे बीकानेर के साथ फॉलो करती आ रही है। और ये 16588 यह भी वसई रोड के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ी है, और अब ये निकलने को तैयार है। इसको पहले सिग्नल मिल गया। ये बीकानेर से यशवंतपुर प्लेटफॉर्म नंबर 7 से वसई रोड के ये निकल गई है हमारे साथ, और ये आगे यशवंतपुर जाएगी। तो यशवंतपुर, तो दोस्तों ये था वसई रोड का प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7, जहाँ पर के आउट वार्ड गाड़ियाँ ही आती है। ये वसई रोड 1:55 पर पहुंची और 2 बजे रवाना हो चुकी है, 2 बजे का समय। इसके बाद ये कल्याण पहुंचेगी, कल्याण जंक्शन 3:17 पे, पूना पहुंचेगी 7 बजे, शोलापुर पहुंचेगी रात के 12:45, और फिर बागलकोट पहुंचेगी रात के 2:45, फिर ब्रेक आएगा सुबह 5:20 पे, हुबली आएगा 7:50 पे 8 बजे करीब, और दावणगेरे आएगा 10 बजे करीब, बिरूर जंक्शन आएगा 1:30 बजे, त्रिस्केरे आएगा 12:50 के करीब, फिर आएगा टुमकुर 2:45 टुमकुर आएगा, और 4:45 3:45 की शाम को ये यशवंतपुर गाड़ी पहुंच जाए।
ये पकड़ गई स्पीड। जा रही है दादर। और अब हमारी गाड़ी ने कोंकण रेलवे की तरफ अपना रुख बना लिया है। एक शानदार हॉर्स शू कर्व की तरफ मुड़ते हुए हमारी ट्रेन जा रही है वसई रोड तक का। अच्छा लगा होगा, अगर आपको पसंद आए तो जरूर अपने कीमती कमेंट से मुझे लाभान्वित करना और अपने लाइक और शेयर देना कभी ना भूलें। शेयर करते रहना हमेशा की तरह। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और मस्त रहे और हमारा ब्लॉग देखते रहे। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। वही डीजल इंजन चल रहा है इसमें अभी भी। हाँ मैं जो पहाड़ की जो रेंज बोल रहा था उसका नाम यात्री, ये वो रेंज है यात्री। देख ले डीजल जा रहा है, देख देख ले तुम्हें वो देखो उसका बना लो। सीधी होगी अब। हाँ सीधी होगी। और हमारी 16311 ट्रेन पनवेल स्टेशन पे आ गई है। पनवेल का कोड है PL और PNVL। पनवेल मूल रूप से 1962 में रेल माल परिवहन के रूप में गुड्स ट्रेन के लिए खोला गया था। खोपोली जाने वाले यात्रियों के लिए 1964 में नियमित कंप्यूटर सेवा पनवेल से शुरू हुई थी। पनवेल करजत के लिए एक समांतर मार्ग भी प्रदान करता है। पनवेल करजत मार्ग के रूप में जाना जाता है। पनवेल में दो राजधानी एक्सप्रेस भी आगे रुकती है, 12431, 12432 तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस और 22413, 22414 मडगांव राजधानी एक्सप्रेस। पनवेल के अंदर कुल 10 रेल ट्रैक हैं, 10 रेल लाइनें हैं और इसके स्टेशन कोड 2 हैं। PL है पनवेल का एक है स्टेशन PL जो सबर्बन के लिए है और PNVL कोंकण रेलवे की मेन लाइन के लिए जो स्टेशन है उसका कोड है। ये सेंट्रल रेलवे का पनवेल स्टेशन है। 1962 में इसका ओपनिंग हुई थी और ये पूरी तरह से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर हुआ है। पनवेल स्टेशन ओरिजिनली रेल फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए 1962 में बनाया गया था और ये दीवा रेलवे स्टेशन तक रेगुलर चल रहा था। 1964 में पैसेंजर को लिए इसको खापोली स्टेशन तक बढ़ाया गया था। इनबाउंड और आउटबाउंड
तो दोस्तों अब हमारी गाड़ी वसई रोड के बाद आगे निकल कर ये सेंट्रल रेलवे पर चल रही है, और सेंट्रल रेलवे से अब ये कोंकण रेलवे की रुख कर रही है। कोंकण रेलवे पनवेल के अंदर है से स्टार्ट होता है और इसका मेन ऑफिस है CBD बेलापुर के अंदर। पहली कोंकण रेलवे 20 मार्च 1993 को UDP से मंगलोर के बीच चली थी। कोंकण रेलवे 756 किलोमीटर लंबा एक रूट है जिसके अंदर की महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य इसके अंदर समावेशित होते हैं मिलते हैं। पूर्ण ट्रैक पर 26 जनवरी 1998 को ये गाड़ी पहली बार चली थी तीनों राज्यों को जोड़ने वाली, और इसके अंदर पहाड़ियों के अंदर काफ़ी सारे पुल हैं। बात करें तो 1947 तक भारत पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने कभी भी इस रेलवे की तरफ ना तो निर्माण किया ना ही ध्यान दिया। पहला प्रस्ताव 1920 में इसका सर्वेक्षण किया गया था। 1957 में इस रेलवे विकास की संभावना का अध्ययन करने के उद्देश्य महाराष्ट्र बेंगलोर में दासगांव और रायगढ़ जिले के बीच हवाई निरीक्षण किया गया था। इस क्षेत्र की सबसे लंबे समय से लंबी मांग को श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस ने पूरा किया था, जो तत्कालीन वित्त मंत्री मधु दंडवते और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रामकृष्ण हेगड़े द्वारा समर्थित बीपी सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। यानी कि जॉर्ज फर्नांडिस रेल मंत्री थे। इनके सबके सकारात्मक प्रयास से ही काम आगे बढ़ पड़ा था। उन्होंने भारतीय रेलवे की धनिकों कमी को दूर करने के लिए कोंकण रेलवे लाइन को क्रियान्वित करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की थी। कोंकण रेलवे का पहला चरण आपटा से रोहा तक 60 किलोमीटर का लंबा था। इसे योजना आयोग ने मंजूरी दे दी थी और इस परियोजना को 1978-79 में 11 अरब रुपये की अनुमानित लागत से शामिल किया गया था। आपटा से मंगलोर तक रेलवे की लंबाई कुल 771 किलोमीटर थी और 1976 में इसकी लागत 2.43 बिलियन आंकी गई थी। आपटा से मंगलोर तक वेस्ट कोस्ट रेल लाइन के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण 1970-72 के बीच किया गया था। आपटा रोहा दासगांव का अंतिम सर्वेक्षण 1974-75 में किया गया था। इसमें इस मार्ग में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ थी। इस परियोजना में 2116 से भी अधिक पुल इंक्लूड किए गए हैं जिसमें पनवल नाड़ी पुल 2010 तक भारत में सबसे ऊंचा पुल था। अब ये झज्जर खंड भारत में सबसे ऊंचा पुल है। इसके अंदर 92 सुरंगें और एशिया की सबसे बड़ी रेल परियोजना ये वक्त की थी। इसमें लगभग 43,000 भूस्वामी थे जिनकी लैंड एक्वायर करनी थी। 43,000 लोगों की जमीन को अधिग्रहण करने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उसको एक्विजिशन करने की चुनौती थी। जब KRCL कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने लोगों से इस संपत्ति को सरेंडर करने के लिए कहना शुरू किया था, जो उनकी पीढ़ियों से उन्हीं की थी, तो उन्होंने स्वागत के रूप में इनको अपना सहयोग प्रदान किया। सबसे लंबा पुल 2 किलोमीटर का शरवती नदी पर है और सबसे लंबी सुरंग रत्नागिरी के पास करबुदे में है, जो 6.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। इसके अलावा भी और चुनौतीपूर्ण मामले रेल को बनाने में आ रहे थे। वो तो एक तो ढीली मिट्टी, भूस्खलन और सुरंग गिरने से परियोजना को कई स्थानों पर काम बहुत प्रभावित हुआ था। घने जंगलों वाले निर्माण स्थलों पर अक्सर जंगली जानवरों का दौरा किया जाता था, तो जंगली जानवरों से बहुत खतरा था और आपस में मुठभेड़ भी हो जाती थी। तीन राज्य महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को पार करने वाली कोंकण रेलवे वित्त पोषण के लिए तीन राज्य सहमत हुए। इसकी अधिकतम शेयर पूंजी 1996-97 में 6 बिलियन से बढ़ाकर 8 बिलियन कर दी थी। भारत सरकार ने इसमें अपना 51% हिस्सा प्रदान किया था, शेष महाराष्ट्र ने 22% किया, कर्नाटक ने 15% अपना हिस्सा प्रदान किया और केरल ने 6%, गोवा ने भी 6% में अपना अपना सब्सक्रिप्शन परियोजना में दिया गया। परियोजना के लिए यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो फर्मों को परियोजना का काम दिया गया, जिसमें लार्सन एंड टूब्रो ने परियोजना का प्रमुख हिस्सा थी।
गेमन इंडिया और एपकॉन्स बीच में शामिल थे। सबसे बड़ी चुनौती नरम मिट्टी से उभरी हुई 9 सुरंगों द्वारा बनी आई थी। इसके लिए धीमी मैनुअल प्रक्रिया की आवश्यकता थी। नरम मिट्टी की सुरंगों में 19 लोगों की जान और 4 साल का इसमें नुकसान हुआ, बीच में कोलैप्स हो जाती थी और रेलवे के निर्माण में कुल 74 लोग इसमें बलिदान हुए, मारे गए। गोवा में जो 156 किलोमीटर का मार्ग था और रेलवे के पर्यावरण और आर्थिक प्रभाव के बारे में पर्यावरण विशेषज्ञों ने अपनी चिंता व्यक्त करी। परियोजना के विरोधियों के अनुसार तटीय रेलवे जो कोस्टल रेलवे से कोस्टल आवास को नष्ट कर देगा, ऐतिहासिक स्थल जैसे गोवा के फोर्ट वगैरह को रेलवे के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाएगा। घनी आबादी वाले राज्य में जो गोवा के ये जीवन को बाधित करेगी रेलवे। 1991 कोंकण रेलवे रीअलाइनमेंट कमेटी ने बना के इन्होंने लोगों ने एक राजनीतिक संरक्षण प्रदान करके इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। KRRAC कोंकण रेलवे रीअलाइनमेंट कमेटी एक संस्था बनाई गई जिसके अंदर रेलवे के इस निर्माणाधीन कार्य को रोकने की प्रक्रिया अपनाई गई। KRRAC ओल्ड गोवा के बताया कि ओल्ड गोवा की जो फर्टाइल लैंड है, उनके कोस्टल रीजन है, वो सब नुकसान हो जाएंगे। मोन्यूमेंट हैं जो ओल्ड गोवा के, वो भी इससे खराब होंगे और यहाँ पर मैंग्रोव के जो बड़े बड़े जंगल हैं वो उनसे मांडवी नदी और ज्वारी नदी के ऊपर पुल बनाने से ये सारे नष्ट हो जाएंगे, इस तरह की इनकी व्याख्या की गई। और उन्होंने ये बताया, सजेस्ट किया कि एक हिंटरलैंड अलाइनमेंट जो पासिंग जो कि 27 किलोमीटर इस रूट से दूर जा रही थी, उसके लिए उन्होंने का सजेस्ट किया। और इस पर PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो बॉम्बे हाईकोर्ट में 1992 में इनके द्वारा डाला गया, KRRAC जो संस्था थी उसके द्वारा पिटीशन में कहा गया कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। और KRRAC के मुख्य बिंदु थे कि प्रस्ताव रेलवे का प्रस्ताव है तटीय क्षेत्रों में, उसके रेलवे के कारण बाढ़ आएगी, उपजाऊ भूमि इसके कारण जो है रेलवे जब जाए बनेगी तो नष्ट हो जाएगी, पुराने गोवा के स्मारकों को भी इससे नुकसान पहुँचेगा, तट के साथ दलदल और मैंग्रोव के दलों में अपूर्णीय क्षति होगी और ये जल हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मांडवी और ज्वारी नदी के मुहाने और तट पर ये सारे जो तट हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटरमिंगल होकर खराब हो जाएंगे। इस समिति ने KRRAC ने गैर आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले एक और वैकल्पिक स्रोत दिया जो रेलवे ने उसको माना नहीं। वो उसने कहा था कि लगभग 27 किलोमीटर दूर रेल लाइन का विस्तार करके इसको लिख के जाओ जिससे क्षति कम से कम पहुंचेगी, लेकिन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा इतनी दूर जाके और अपना पूरा रूट चेंज करने से उन्होंने स्वीकार कर दिया क्योंकि रेल लाइन को काफ़ी लंबा और लंबा मोड़ होने से ये ज़्यादा और खर्चीला पड़ रहा था। तो गोवा के अंदर रेल जाएगी नहीं, 27 किलोमीटर बहुत दूर हो जाएगा और यहाँ से रेल कभी भी निकलेगी नहीं और इसकी निर्माण में भी अनावश्यक देरी होगी और हमारे फंड्स के अंदर बजट भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा। KRRAC जो एक राजनीतिक आंदोलन बन गया था, उसने मार्च 92 में बम्बई हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके स्टे ऑर्डर ले लिया। हाई कोर्ट ने अगले महीने याचिका खारिज करते हुए फैसला सुनाया, जो भी खजान भूमि का जो भी मामला लंबित है वह ना तो विनाशकारी है ना उससे रेल के बनने से कोई परिवर्तनीय प्रभाव पड़ेगा, तो रेलवे के द्वारा की जाने वाली जो भी क्षति होगी वो अत्यंत नगण्य है और इस प्रकार एक सार्वजनिक परियोजना को पूरा करने के लिए अगर कोई अच्छा काम किया जा रहा है तो उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पश्चिमी तट पर लोगों की आकांक्षाओं को रेलवे आने से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, उनको बिजनेस मिलेगा, कुछ लोगों की हितों की रक्षा के लिए ही सार्वजनिक महत्व की परियोजना को विफल करने के लिए यूज किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें लिमिटेड लोग थे राजनीतिक महत्व वाले जो इस रेलवे को रोकना चाहते थे। इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि 30 हेक्टेयर की खजान भूमि जो खजान लैंड थी उसके छोटे से क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में शिकायत करते हुए रेल लाइन के निर्माण से रेल को रोक दी जाए तो कोर्ट ने इसको मना कर दिया। रेल लाइन से निर्माण से बड़े लोगों को लाभ मिलेगा, उसे खारिज नहीं किया जा सकता, उससे बहुत फायदा होगा। अदालत उस तुलनात्मक कठिनाई को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है दोनों के लिए और महान सार्वजनिक उपयोगिता वाली रेल लाइन बनने से किस परियोजना को रेल बनाने से रोकने में कोर्ट को कोई बुद्धिमानी नहीं लगती और ऐसा करके उन्होंने स्टे ऑर्डर खारिज कर गोवा और केरल सरकारों ने 2015-2016 में कोंकण रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए हरी झंडी दे दी थी। मार्च 1993 में ठोकुर के बीच 45 किलोमीटर, मैंगलोर से 18 किलोमीटर और कर्नाटक में उडुपी में इस कोंकण रेलवे ने प्रवेश कर लिया। इसके बाद उत्तरी 45 किलोमीटर महाराष्ट्र में रोहा वीर मार्ग पर पहली यात्री ट्रेन 20 मार्च 1993 को मंगलोर और उडुपी के बीच चली। 1995 वीर से खेड़ तक 52 किलोमीटर का मार्ग और खेड़ से सावंतवाड़ी तक 286 किलोमीटर का मार्ग रह गया। 1995 में उडुपी से कुंडापुर तक 35 किलोमीटर का और अगस्त 1997 में गोवा से प्रेरणम 272 किलोमीटर तक इसको बढ़ाया गया। जनवरी 1998 में गोवा से मंगलोर तक
कुल 740 किलोमीटर का उद्घाटन रेलवे लाइन पर सेवा के माध्यम से शुरू हुआ। मुंबई और मंगलोर के बीच पूरे मार्ग पर रेल यात्री 1998 में शुरू हुई, यानी कि फाइनली 1998 में कोंकण रेलवे पूरी तरह इफेक्टिव हो गई।